अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे मिक्स वेज। मिक्स वेज बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, जिनको मैंने काट लिया है, 100 ग्राम गाजर, इसे भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, 100 ग्राम गोभी, इसे भी छोटा छोटा काट लिया है, 100 ग्राम मटर, इसको मैंने हल्का सा उबाल लिया है, 2 बड़े साइज़ के आलू हैं, उनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको भी बारीक बारीक कट कर लिया है, 100 ग्राम पनीर, इसको भी मैंने काट लिया है, और मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 6 से 7 कलियां लहसुन की, जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, 1/2 इंची का टुकड़ा अदरक का, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 1/2 चम्मच जीरा, 7-8 काली मिर्च, 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, गार्निश के लिए हरा धनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्स वेज बनाना। तो मैंने गैस ऑन कर ली है और कढ़ाई को रख लिया है, इसमें मैंने तेल डाल लिया है, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, इसको हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। शिमला मिर्च का कलर चेंज हो चुका है, हमें हल्का सा ही सॉटे करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना। निकाल लेते हैं। अब इसमें हम गोभी डालेंगे जो हमने काट के रखा था। गोभी का भी कलर चेंज हो चुका है, इसे भी निकाल देते हैं। अब हम गाजर डालते हैं। गाजर को भी हल्का फ्राई कर लेते हैं। गाजर भी हो चुकी है, इसे भी निकाल लेते हैं। अब इसमें हम आलू डालेंगे। आलू भी फ्राई हो चुके हैं। इनका कलर चेंज हो चुका है, इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब हम डालते हैं पनीर। वो पनीर भी हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। पनीर को जब हम फ्राई करते हैं तो गैस को हमें बहुत ही स्लो रखना है, क्योंकि पनीर बहुत जल्दी जल जाता है। मटर हमने पहले से उबाली हुई है तो मटर को हम नहीं करेंगे। मैंने सेम कढ़ाई को लिया है और उसमें मैंने और ऑयल डाल लिया है। अब उसमें हम सबसे पहले डालेंगे जीरा और काली मिर्च। प्याज प्याज को भून लेते हैं। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, प्याज हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ लहसुन।
अदरक, इसे भी चला लेते हैं। हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसको 20 से 25 सेकंड के लिए भून लेते हैं और उसके बाद डालते हैं हम इसमें कटा हुआ टमाटर। तो मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। और हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और जो हमने पिंच हींग दी थी वो दोनों डाल देंगे। अब इसमें हम सभी सब्जियों को डाल देंगे। साथ में मटर भी डाल देंगे। गैस को हमें स्लो ही रखना है। मिला लेंगे, अब इसमें हम 2 चम्मच पानी डालेंगे। आप चाहें तो ना भी डालें पानी। और इसे ढक के बना लेते हैं। गैस को हमें हल्का ही रखना है। तो देखते हैं सब्जी हो गई। सब्जी पक चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर हम डालेंगे पनीर। हरा धनिया, इसे भी मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से क्रश किया हुआ पनीर डालेंगे। इसे भी मिला लेंगे। दो मिनट के लिए सब्जी को ढक देते हैं। दो मिनट हो चुके हैं। सब्जी बहुत अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है।
आप बीच बीच में सब्जी को चलाते रहें, क्योंकि इसमें पानी नहीं डलता तो जलने का डर है इसका। तो आप बीच में सब्जी को चलाते रहें। तो आप करते हैं डिश आउट मिक्स वेज को। तो मैंने मिक्स वेज को डिश आउट कर लिया है। अगर आपको ये मिक्स वेज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।